हेलो एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको लिए चलता हूं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जो रिलीज किया गया है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पीएचडी एडमिशन के लिए। दोस्तों, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि आखिरकार किस डिपार्टमेंट से, किस सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। तो यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट का नाम देख सकते हैं, वहीं यहाँ से आप अपना सीट देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग 20 विषयों से निकले वैकेंसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि आखिरकार किस सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट का वैकेंसी देख लें। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि एडमिशन बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया जाएगा और 2 जनवरी से यहाँ पे कोर्स वर्क यानी कि आपका पीएचडी का कोर्स वर्क का क्लास स्टार्ट होने वाला है। यानी कि दोस्तों, 1 मंथ से भी कम समय में यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि आखिरकार वो कौन स्टूडेंट है जो फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे वे सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिसका 55% मार्क्स पीजी में है। वहीं दोस्तों, यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि जो एडमिशन होने वाला है वो बेसिकली मेरिट के आधार पे होने वाला है। एग्जाम यहाँ पे जरूर होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि उस एग्जाम का कोई वेटेज आपको नहीं मिलने वाला है। अगर जबकि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका देखा जाएगा करियर असेसमेंट, यानी कि आपका जो एकेडमिक है और साथ ही साथ आपका होगा इंटरव्यू, उसी के आधार पे एक मेरिट तैयार होगा जिसके आधार पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप सिर्फ पीजी पास हैं तो 18 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा और 18 दिसंबर को ही आपका वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू भी होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फी है वो 1500 है और यहाँ पे फी आप पेमेंट कर सकते हैं ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं फिल कर सकते हैं, आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा अगर बात करें कि लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट डेट यहाँ पे है 12/12/2020 तक, यानी कि 12 दिसंबर तक शाम के 4 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपको नहीं फिल करना है, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट से और उसे फिल करके आपको सेंड कर देना है इस एड्रेस पे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर जबकि बात करें एंट्रेंस टेस्ट का, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ पीजी पास है उसे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जब वो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद उसका एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा या फिर कह सकते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा और साथ ही साथ 20% यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू या वाइवा वॉइस का, यानी कि 80% आपका करियर असेसमेंट किया जाएगा और दूसरी और 20% आपका इंटरव्यू को दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है और 18 दिसंबर को ही यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी साफ कर दिया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर गेट क्वालिफाई हैं, उसको यहाँ पे एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, उसको सीधे इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो 80 मार्क्स आपको मिलने वाला है करियर असेसमेंट का, वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे साफ किया गया है 10th में अगर जितके फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, सेकेंड डिवीजन वाले को 6 मार्क्स मिलेंगे और थर्ड डिवीजन वाले को यहाँ पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरीके से +2 में अगर जिसका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकेंड डिवीजन वाले को यहाँ पे 8 मार्क्स दिए जाएंगे और थर्ड डिवीजन वाले को यहाँ पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरीके से अगर जिसके आप 3 वर्षीय डिग्री किए हैं, यहाँ पे +3 का मतलब है 3 वर्षीय डिग्री, अगर यदि आप फर्स्ट डिवीजन से किए हैं तो 20 मार्क्स दिया जाएगा, सेकेंड डिवीजन वाले को 12 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें पीजी का, तो अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 36 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकेंड डिवीजन वाले को यहां पे 26 मार्क्स दिए जाएंगे और इस तरीके से जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स में से आप जितना स्कोर प्राप्त करेंगे प्लस 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसमें आप जितना मार्क्स प्राप्त करेंगे उसके आधार पे एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है।
दोस्तों जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा इस फॉर्म को भरते समय। इसके अलावे जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए बहुत सारा और अपडेट है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है एडमिशन का। यहाँ पे साफ किया गया है कि आप 28/11/2020 से 12/12/2020 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावे दोस्तों जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है वो रखा गया 18/12 को, और इंटरव्यू भी यहाँ पे 18/12 को ही रखा गया है। 10 बजे से 11 बजे तक आपका टेस्ट होगा, वही 11:30 से आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आना है, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 28/11/2020 को जारी हुआ एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो कि पीएचडी से संबंधित है, यहाँ से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यदि कि आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं जिसे आप फिल करके भेजेंगे वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप एमफिल को इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी एडमिशन फॉर्म निकला हुआ है, वो भी आप यहां से डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आप सभी के लिए अपडेट जो कि निकल कर आया है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी से। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं आप इस फॉर्म को भर के पीएचडी में एडमिशन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप डीके गुरु ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें।